57 मुस्लिम देशों से बने संगठन जिसे हम OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं, इसने एक बार फिर भारत के ऊपर जहर उगलना शुरू कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि इन 57 मुस्लिम देशों के अंदर कई ऐसे देश भी शामिल हैं जो खुलकर के भारत का सपोर्ट करते हैं। भारत के साथ अच्छे रिश्ते, अच्छे संबंध, अच्छे ट्रेड और लोकल करेंसीज में ट्रेड करने की बात करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जब इस तरीके के बड़े संगठन के अंदर भारत के ही हिस्से को लेकर के गुटबाजी देखने को मिलती है और ऐसे में ये देश उनका विरोध नहीं करते, तो ऐसे इनका दोगलापन सामने आ जाता है। जहां पिछले 2-3 महीनों में कट्टर मुस्लिम देश चाहे ईरान हो या फिर तुर्की, इन्होंने पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं किया किसी भी हालत में, खासकर भारत के कश्मीर मुद्दे को लेकर के। इसके बावजूद भी OIC में कई ऐसे मेंबर्स हैं जो किसी थर्ड पार्टी देश का इस्तेमाल करते हुए कश्मीर के मुद्दे को इस बड़े संगठन के अंदर उजागर कर रहे हैं और भारत के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन ने भारत की तरफ से उठाए गए एक कदम के चलते अब भारत को कई अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घसीटने की तैयारी कर ली है। आज के इस वीडियो में हम 5 इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले OIC की बात की जाए तो यह संगठन 4 महाद्वीपों के 57 मुस्लिम देशों को मिलाकर के तैयार किया गया है, जिसका मुख्यालय सऊदी अरब के अंदर है। और सऊदी अरब हो या फिर UAE, इनके साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के अंदर जब कश्मीर के मुद्दे को उठाया जाता है पाकिस्तान की तरफ से, तब इसके जो भी बड़े हेड्स हैं ये मिलकर के भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देते हैं। रिसेंटली भी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग की गई OIC की और सिर्फ पाकिस्तान के एक इशारे पर कश्मीर मुद्दे को लेकर के बयानबाजी की गई है। लेकिन हैरानी ये होती है कि इन 57 मुस्लिम देशों के अंदर कई ऐसे देश भी शामिल हैं जो कि भारत के साथ कई अंतर्राष्ट्रीय मेंबर्स में शामिल हैं और भारत के सभी टेरिटरीज, भारत की पूरी सिक्योरिटीज को सपोर्ट करने की भी कसम खाते हैं। लेकिन जब इस तरीके के बयानबाजी आती है तो ये पूरी तरीके से चुप रहते हैं। फिलहाल जो इम्पोर्टेंट अपडेट सामने निकल के आ रही है, न्यूयॉर्क के अंदर यूनाइटेड नेशन महासभा की बैठक के दौरान OIC की तरफ से भी अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, जिसमें बताया गया कश्मीर के अंदर जो विधानसभा चुनाव हो चुके हैं इन पर जहर उगला गया है। इसमें खासकर जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को जो फ्रीडम दी जा रही है इसको लेकर के यह सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन ये देश ये बात भूल जाते हैं कि जिस पाकिस्तान का ये सपोर्ट कर रहे हैं, कभी पाकिस्तान अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन अगर हम उन चीजों को किनारे कर दें, आज कश्मीर के अंदर पाकिस्तान ने किस तरीके से हमारे हिस्से को कब्जा करके रखा है, अगर हम उसे भी कुछ मिनट के लिए किनारे करें तो जो भी अभी कंट्रोल में हमारा हिस्सा है, इसके अंदर भी होने वाली हर एक हरकत पर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी भी देश को अधिकार नहीं है कि आप हम पर सवाल खड़े करें। बाकी आज नहीं कल हमारा पूरा जम्मू कश्मीर हो जाएगा, पाकिस्तान इस बात को लिख करके रख ले। बाकी आपके इस पर क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो कल खबर सामने निकल के आती है कि चीन की एक काफी इम्पोर्टेंट परमाणु पावर्ड अटैक सबमरीन पूरी तरीके से पानी में डूब गई। इस बात का खुलासा खुद एक अमेरिकी अधिकारी ने किया, जहां पर उनका कहना था कि यह बीजिंग में हुई एक बहुत शर्म करने वाली घटना है, जहां चीन जिस तरीके से अपने मिलिट्री पर पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन कुछ करप्शन और कुछ ज्यादा ही अपनी सेना को ताकतवर बनाने के लिए जिस मास लेवल पर काम किया जा रहा है, यह उसका नुकसान है। आज चीन के पास करीब 370 से भी ज्यादा बड़ी मात्रा में जहाज मौजूद है, जिससे वाकई चीन के पास दुनिया की काफी बड़ी नौसेना है। लेकिन ऐसे में चीन को आखिर क्या जरूरत कि वो इस तरीके की हरकत करता रहे, और अल्टीमेटली इससे चीन को ही नुकसान हुआ है। वहीं चीन की तरफ से आ रही तीसरी इम्पोर्टेंट बीट की बात की जाए तो चीन और अरुणाचल प्रदेश या फिर कहें भारत के हिस्से को लेकर के एक नई बहस शुरू हो गई है, जहां पर चीन ने फिर अरुणाचल प्रदेश पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश की। और पास में हमने देखा है कि चीन ने कई बार अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों पर नाम बदलने की कोशिश की है। फिलहाल भारतीय पर्वतारोहियों ने अरुणाचल प्रदेश के एक पर्वत का नाम छठे दलाई लामा के नाम पर रख दिया, तो चीन इससे पूरी तरीके से बौखला गया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स की एक टीम ने अरुणाचल प्रदेश पर करीब 20,942 फीट की ऊंचाई पर अनामा चोटी पर चढ़ाई की, और इस चोटी पर पहुंचते ही इस चोटी का नाम छठे दलाई लामा, जिनका नाम है त्सांग यांग ग्यात्सो, के नाम पर रखने का फैसला किया। और जैसे ही ये बयान सामने आया, चीन पूरी तरीके से बौखला गया। और भविष्य में चीन इस मुद्दे को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को घसीटने की कोशिश जरूर करेगा, और भविष्य में भारत और चीन को लेकर के कई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स की जाती हैं। देखते हैं आने वाले समय में चीन इस बात को किस तरीके से आगे बढ़ाता है। फिलहाल आप किस पर क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार एक बार फिर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, और ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं। आपको बता दें, रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को आंकड़े जारी करते हुए बताया है कि 20 सितंबर 2024 को जो भारत का
का क्लोजिंग सप्ताह था, इसमें विदेशी मुद्रा भंडार 2.838 अरब डॉलर से बढ़कर के 692.296 बिलियन यूएस डॉलर हो चुका है और इसने अब अपने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि पिछले सप्ताह ही ये आंकड़े करीब 689.485 के आसपास था, लेकिन अब ये बढ़कर के 692 अरब डॉलर हो गया है। ओवरऑल साल 2024 की कैलकुलेशन की जाए तो जनवरी से लेकर के अब तक करीब 69 अरब डॉलर की वृद्धि देखी गई है भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में। उससे पता चलता है कि देश के अंदर किस तरीके से बिजनेसेस एक्सपेंड हो रहे हैं, साथ ही साथ भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत की जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ जिस लेवल पर आकर के पहुंची है, इसकी वजह से ही ये सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये आंकड़ा जो 692 अरब डॉलर पहुंचा है, ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आंकड़ा है और अब ज्यादा दूर नहीं है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर हो जाए। विकिपीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस समय भारत दुनिया के चौथे स्थान पर है सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार होल्ड करने वाला। नंबर वन पर है चीन, दूसरे पर जापान, तीसरे पर स्विट्जरलैंड और चौथे स्थान पर है भारत। लेकिन जल्द ही हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर पहुंच जाएगा और लगभग हमें 1 से 1.5 साल और लगेंगे तीसरे स्थान पर आने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगर आप हो रही ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे तो पाएंगे कि चीन इस समय काफी ज्यादा डिक्लाइन फेज में जा रहा है, वहीं जापान, स्विट्जरलैंड और इंडिया लगातार स्केल अप हो रहे हैं। लेकिन भारत का तीसरे स्थान पर आना तभी पॉसिबल हो पाएगा जब जापान और स्विट्जरलैंड में से कोई एक देश नीचे की तरफ स्लिप होगा। देखते हैं किस तरीके से ये डेवलपमेंट आने वाले समय में होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो इंडोनेशिया भारत से कुछ और हथियार खरीदने की तैयारी में है और ये अपनी नौसेना को और ज्यादा ताकतवर करने की तैयारी में है। अब ये बात तो आप सभी लोग जानते होंगे कि साउथ चाइना सी के अंदर चीन किस तरीके से तनाव बढ़ा रहा है, चाहे नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने हो, नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने हो, सभी चीजों को लेकर के जो भी देश साउथ चाइना सी के आसपास लगते हैं वो सभी टेंशन में है। ऐसे में अब इंडोनेशिया भारत से कई वो टेक्नोलॉजीज लेने वाला है जिससे ये सबमरीन्स डेवलप कर पाए। इसमें भारत की बड़ी बड़ी शिपयार्ड कंपनीज की हेल्प ली जाएगी जिनके हेल्प से ये सबमरीन्स को डेवलप कर पाएंगे और इवन ये भी हो सकता है कि कई सबमरीन्स भारत के अंदर डेवलप की जाएं और डायरेक्टली यहाँ पर सप्लाई कर दी जाएं। और भारत और इंडोनेशिया के बीच में होने वाली ये सिर्फ सबमरीन डील नहीं होगी बल्कि इसमें कई प्रकार के मिसाइल, कई प्रकार के एडवांस हथियार और जो हम मीडियम रेंज वाले एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, सभी चीजों को खरीदने की तैयारी में है। सबसे पहले 3 इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप दोनों देशों के बीच में जल्द हो सकती है जहां पर को डेवलपमेंट किया जाएगा भारत और इंडोनेशिया के बीच में ताकि सबमरीन डेवलप की जा सके। साथ ही भारत और इंडोनेशिया नौसेना के बीच में जो सबमरीन चलाने के प्रोसेस है इनको आपस में शेयर किया जाएगा। इसके अलावा जो क्षेत्रीय सुरक्षा है इसको किस तरीके से मजबूत किया जाएगा इस चीज को लेकर के इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट्स किए जा सकते हैं। साथ ही एक और इम्पोर्टेंट अपडेट भारतीय सेना से सामने निकल के आ रही है जहां पर भारतीय सेना में शामिल होने वाले अमेरिकन मैन्युफैक्चरर AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर्स जल्द ही आने वाले हैं। वैसे तो ये हेलीकॉप्टर्स ऑलरेडी 6 महीने का डिले हो चुका है लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका ने पूरी कोशिश की है कि जल्द से जल्द भारत को ये हेलीकॉप्टर्स डिलीवर किए जाएं। इनकी आज भारतीय सेना में बहुत ज्यादा जरूरत है और अब जो ऑफिशियल अपडेट सामने निकल के आ रही हैं इनके मुताबिक कुछ ही महीनों के भीतर या फिर कहें साल 2024 खत्म होने से पहले भारत को ये हेलीकॉप्टर्स मिल जाएंगे। लेकिन आप कमेंट में बता सकते हैं कि अमेरिका आखिर भारत को हथियार देने में इतना ज्यादा डिले क्यों करता है। ऑलरेडी ये हेलीकॉप्टर्स भारत के अंदर मई और जुलाई के महीने में आ जाने चाहिए थे लेकिन अभी तक ये भारत नहीं पहुंचे और सेम यही कंडीशन तेजस में लगने वाले फाइटर जेट इंजन्स को लेकर के भी है। बाकी इन सभी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।